इस बार बड़े पर्दे पर रितेश देशमुख भी आए हैं एज द सोलो हीरो ऑफ द फिल्म बेंजो। बेंजो में उनके साथ है उदय चोपड़ा की गर्लफ्रेंड या कहिए एक्स गर्लफ्रेंड नरगिस फखरी और डांसर धर्मेश भी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रवि जाधव और रवि जाधव ने एक ऐसी कहानी बनाई है जो लोगों की शायद ज्यादा समझ में नहीं आएगी। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी बड़ी सिंपल है कि न्यूयॉर्क की एक डीजे नरगिस फखरी मुंबई की गलियों में आती है मुंबई के म्यूजिशियंस को ढूंढने के लिए और तभी उन्हें मिलता है एक वेल कल्चर्ड वेल मैनर्ड जबरदस्त एक्शन हीरो जो बेंजो भी बहुत अच्छा बजा सकता है यानी कि रितेश देशमुख। मुंबई के बेंजो प्लेयर्स की दर्द को सामने लाना चाह रहे हैं लेकिन उस दर्द को लाते लाते उन पर इतनी ज्यादा चीजी लाइंस और डायलॉग्स बोलने के लिए उन्हें दे दिए गए कि वो दर्द निकल के नहीं आया, बाकी सारी बातें लोगों के समझ में आ गई। तो इन शॉर्ट फिल्म की कहानी बड़ी सिंपल लग रही है लेकिन उतनी है नहीं। इट्स नॉट एट ऑल अ कंप्लीट म्यूजिकल ड्रामा। फिल्म में ढेर सारा एक्शन भी है जो इस फिल्म से एक्सपेक्टेड नहीं था। वहीं फिल्म से एक्सपेक्टेड था कि रितेश देशमुख एज अ म्यूजिशियन रोल पोर्ट्रे करने में सक्सेसफुल होंगे तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं। फिल्म का म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, फिल्म की स्टोरी लाइन में इतना दम नहीं है तो ये फिल्म थिएटर में आपके 100 में से शायद 40 रुपए वसूल करा पाए। बेंजो रनिंग इन द थिएटर्स नियर यू।